हेलो, पहचाना? मैं डॉक्टर, इस गांव का डॉक्टर। हाँ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें एक भी सहूलियत नहीं है। किसी का बुखार चेक करना हो, थर्मामीटर नहीं मिलता है। फिर हम लोगों को मरीज को ठंडे पानी में खड़ा करना पड़ता है। पानी गर्म हो जाए तो समझ में आ जाता है कि बुखार है। गर्म पानी से हम लोग नहा लेते हैं, और अगर कहीं बंदा आकर जाए फिर उसको नहला देते हैं। तो मतलब अब क्या है कि सारे बंदों को हम लोग ऊपर नहीं भेजते हैं इसी चक्कर में। कई बार तो हम लोगों को ऐसे एक्सीडेंट करवा के ऊपर भेजना पड़ा है। एक्चुअली एम्बुलेंस भी मैं खुद ही चलाता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि किसी की जान बचाने के लिए अच्छा डॉक्टर होना ही जरूरी नहीं है, अच्छा ड्राइवर होना भी जरूरी है। आपको पता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स है इस गांव में, किसी की हमें ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़े तो जगह ही नहीं है, ओपन में सर्जरी करनी पड़ती है। इधर हम लोग ओपन में सर्जरी कर रहे होते हैं, उधर गांव वाले जगह जगह सर्जरी कर रहे हैं। पता नहीं क्या कि हम लोग सर्जरी करने से पहले याद होते हैं और वो लोग सर्जरी करने के बाद। कुछ खास नहीं है लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत है, क्या करें। जैसे पेशेंट आने का टाइम हो गया लेकिन आ कोई नहीं रहा। डॉक्टर साहब, मेरे ससुर जी को देखिए प्लीज, इन्हें कुछ हो गया, ये ठीक नहीं लग रहे। ठीक नहीं लग रहे? जिस तरह तुमसे चिपका हुआ बुड्ढा, मेरे को तो जवानों से ज्यादा ठीक लग रहा है। छोड़ उसको। अरे क्या कर रहे हैं आप, ये मुझे नहीं चिपके हुए हैं, मैं इन्हें सहारा देकर यहाँ लेकर आई हूँ। ये ना कई दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे। अच्छा तो तुम भी मत करो, तुम बड़ी स्टार हो, एटीट्यूड में रहो, अपने आप बोलेगा बुड्ढा उसको क्या। अरे ये मुझसे नाराज नहीं है, इनकी तबीयत खराब है, 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। खा नहीं रहे, इनको यहाँ लेटाइए। लेटना मत, नहीं तो तुम्हारे शॉट नहीं लगेंगे फेस के। बैठिए, देखिए खा नहीं रहे कुछ, इधर किडनियां तो दोनों है। एक काम करें, इनका घुटने चेंज करने पड़ेंगे फिर ये खाएंगे। खाने का घुटनों से क्या लेने देना? अब समझिए, घुटनों में जो कटोरियां लगी हुई ना स्टील की, इनको निकालिए, अपने बर्तन में दाल डाल के देंगे तो अपने आप खाएगा। कई बार क्या होता है बंदा हाइजीनिक होता है तो अपने बर्तन में आप डाल के देंगे तो होएगा, इनकी कटोरियां चेंज करनी पड़ेंगी। एक सेकंड, आप इंजेक्शन देना पड़ेगा। लीजिए इंजेक्शन देना पड़ेगा। दिखाइए छोटा, एक तो ये झुर्रियों वाला बुड्ढा नबज ही नहीं मिल रही, इसकी क्या करें। ए बुढ़े, एक सेकंड अभी करते हैं, 2 मिनट ये प्रेस लगाते हैं। ये बुड्ढे में झुर्रियां पड़ी हुई, अभी रिंकल फ्री हो गया बुड्ढा। देखो अभी जल्दी मरना नहीं, 2-4 पार्टी अटेंड करनी है, सारी सिलवटें निकल गई। आगे से कभी लिनन का बुड्ढा नहीं लेना, इसमें सिलवट बहुत पड़ती है, समझ में आया? आगे ध्यान रखिएगा इसी का। डॉक्टर साहब, इस्त्री चिपक गई, हटा उसे। इस्त्री चिपक गई? इस्त्री नहीं चिपकी बुड्ढे, तेरी फितरत ही खराब है। इस्त्री गर्म थोड़ी सी देखी नहीं कि चिपक गए, और ऐसे बुड्ढे तो ठंडी इस्त्री के साथ भी चिपक जाते हैं। अरे बेटी तुम मुझे कहां ले आई, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। ब्लड प्रेशर लो हो रहा है? तुम्हें इतनी नॉलेज है तो घर पे इंजेक्शन लगवा लेते, इधर क्या करने आए थे। अभी क्या है, इनको ग्लूकोज देना पड़ेगा। ग्लूकोज किधर गया? ओह माय गॉड, लगता है ये टॉमी पी गया। ये मेरा कुत्ता इतना बदतमीज है ना, हमेशा मरीजों का ग्लूकोज पी जाता है। ये ऐसे बाज नहीं आएगा, ये इसके बिस्कुट पहले मरीज को खिलाता हूँ फिर पता चलेगा। आप खाइए, कुत्ते के बिस्कुट खाइए। अरे खाइए खाइए खाइए, अबे खा ना। क्या कर रहे हैं आप? अरे ये बिस्कुट कुत्ते के बिस्कुट है, बताए इसको खा के तो जर्मन शेफर्ड में एनर्जी आ जाती है। बुड्ढा तो फिर भी छोटा सा पग है। और सुनो, इस कुत्ते के सामने डकार नहीं लेना, इसको पता चल जाएगा तुमने उसका फूड खाया, बोटी नोच खाएगा, ये मत बता रहा हूँ। हे भगवान, बेटी तुम मुझे कहाँ ले आई? अरे मेरे पेट में अंगूठी गई है, उसे निकालो। क्या पेट में अंगूठी चलेगी? ओह माय गॉड, आप ध्यान नहीं रख सकते इन सब चीजों का। आपको पता सोना कितना महंगा हो गया और आप अंगूठी निकल गए, पेट फाड़ना पड़ेगा आपका। क्या क्या पेट फाड़ना पड़ेगा? हाँ? डॉक्टर साहब, इतनी सी अंगूठी के लिए इतना बड़ा पेट फाड़ने की क्या जरूरत है? कोई और रास्ता नहीं है? रास्ता तो और है लेकिन तकलीफ आपको होगी। देखिए अभी क्या है, मैं मुंह में हाथ डाल के अंगूठी निकालता अच्छा नहीं लगता ना, मेरी घड़ी खराब हो सकती है। एक काम करता हूँ, आपके कान में से निकाल लें अंगूठी। कान में से अंगूठी कैसे निकलेगी? कान में बड़ मारते ना, वो वाला यू ऐसे करके नजर नहीं आता जिसमें, वो बड कहते हैं, थोड़ा लंबा बड बनवाते हैं यहाँ पे 1.5 मीटर, ऐसे कान में से डालेंगे, यहाँ तक पहुंचे ना अंगूठी, कहाँ फील हो रही है? ये यहाँ पे जिधर भी, अगर 6 महीने रही तो डबल हो जाएंगी अंदर लॉकर में ना। देखिए हम लोग आटा लगा के ना बड में ऐसे चिपकाएंगे, अंदर जाके चिपके कान ऐसे करके खींच देनी अंगूठी बाहर। और अगर आटा अंदर रह गया तो? तू है ही मनहूस बुड्ढे, तू चाहता ही नहीं तेरा काम हो, तेरी अंगूठी बाहर आए। अबे नहीं भी आएगा, आटा अंदर भी रह जाए तो क्या आ जाएगा? थोड़ा सा आलू खाना, थोड़ा सा प्याज, 1 चम्मच मक्खन का, अंदर गया तेरा लच्छे पराठे का डिनर हो जाएगा, और क्या चाहिए। अरे क्या भैगी भैगी बातें कर रहे हो, इनका इलाज करो, अंगूठी बाहर निकालो। इलाज करते अंगूठी बाहर निकालो, तेरे को भी बुड्ढे की क्यों नहीं पड़ी हुई, तेरे को अंगूठी की पड़ी है, सोने की अंगूठी निकला है। अरे सोने की अंगूठी नहीं है, आर्टिफिशियल है।
तो बाहर क्यों निकाल रहे हो, अंदर पड़ी रहने दो। इसका फायदा बड़ा ना, गुम भी नहीं होगी, कम से कम तुम्हें पता तो है चीज किधर पड़ी हुई है। अरे अगर इन्फेक्शन हो गया तो? इन्फेक्शन हो गया तो अभी निकालते हैं। ये तो मैंने ब्रश करने के लिए रखा हुआ है, मेरे नहीं है। आपका पेट खोलना पड़ेगा, ठीक है? देखो मरीज को एकदम से झटका नहीं देते, उसको बातों में लगाओ पहले। इस तरह पेट काटता है क्या? तुम पागल तो नहीं हो? My God, मैं तो खून देख के मेरे को नहीं देख पाता मैं किसी का। अरे इतना खून बह रहा है, इसे बंद करो। बंद नहीं करना मेरे को आता। अरे तुम पागल हो क्या? अरे आप कहीं ज्योतिषी तो नहीं? आपने मेरे को डॉक्टर के कपड़ों में पहचान लिया क्या? तुम वाकई में पागल हो? तो असली डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर! What the hell is going on here? What the hell is going on here? आप डॉक्टर हैं? ये मेरे ससुर जी है। ओह, मुझे लगा बाल कटा के आपकी जिठानी आई है आपके साथ में। डॉक्टर साहब जी, ये इस पागल ने इनका पेट इस तरह फाड़ दिया और अब सिल भी नहीं रहा। सिलो सिलो पेट सिलो। मैं डॉक्टर हूँ, कोई दर्जी नहीं हूँ। तो तुम्हें कोर्स करवाया तो था। ठीक है सिल देते हैं। मैं कहाँ है? ठीक है, ए सुनो, ए अंकल, ये धागा पकड़ के रखना, ठीक है, मुंह में डाल के रखना। अरे ये तो जितना निकलता रहेगा मैं पूरा सिल दूंगा। सुनो, ये बुड्ढा किस तरीके का सिलना है? बैगी टाइप के, पैरलर के, बेल बॉटम? अरे लेकिन मुंह में क्यों पकड़ रखा है? हाँ? लाओ मैं पकड़ती हूँ। एक्चुअली शुरू से ध्यान डॉक्टर की तरफ, टेलर वाले काम आते नहीं। मैं तो सिल देता हूँ। कनिंग स्किन। उन्हें लगता है कभी ना गिफ्ट पैक नहीं किया, इसको ऐसे करते हैं। एक मिनट। ऐसे ठीक है? 20 रुपए का बुड्ढा और 35 रुपए पैकिंग के, दिस नॉट वर्थ फॉर इट। क्या 20 रुपए का बुड्ढा? आपको पता है कितने बड़े आदमी हैं ये? हैं? हमारे हॉस्पिटल में वैसे ही बड़े बड़े आदमी आते हैं। कल तो एक इतना बड़ा आदमी आया था, उसकी टांग इस कमरे में, बाजू इस कमरे में, धड़ पता नहीं किस कमरे में था। इतना बड़ा आदमी था? हाँ? नहीं, आदमी बड़ा नहीं था, आदमी कटा हुआ था, एक्सीडेंटल केस। अरे क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम लोग, पहले मेरे ससुर जी का इलाज करो। अंगूठी निकली है, एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं। हेलो, हाँ मम्मी, हाउ आर यू? पागल मत बनाओ, नेटवर्क तो आ नहीं रहा। बुड्ढा है ना? हाँ, शराब तो नहीं पीते? अब बेटा विस्की मंगाना, विस्की। बियर बार में आया यहाँ पर तू? देखा कितनी पीते। डॉक्टर संध्या, एक काम करते हैं, इसका लीवर निकाल लेते हैं, उसमें दो दो पैक हो गए। डॉक्टर साहब पहले तो इस पागल का इलाज करो, ये तो मुझे पागल किया जा रहा है। पागल को कभी पागल नहीं कहते हैं, वरना कत्ल कर देता। खून पी रहा है वो। डॉक्टर साहब जरा इनकी आंखों में टॉर्च मारिए। जी जी बिल्कुल जी। डॉक्टर डॉक्टर किस लिए बने हुए? मेरी आंखें फोड़ दी है। डॉक्टर साहब जला के मारना है। टार्च थोड़ी जला के मारते, क्या बात करते हैं आप? मेडिकल फील्ड में होके कैसी बहकी बात करते हैं आप? जला के माचिस होती है। वेरी गुड डॉक्टर, यू आर सो इंटेलिजेंट। जला दिया तो फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद वैसे भी जलाना है, थोड़ा इधर से जला के जाओ, उधर कम टाइम लगेगा, शमशान घाट में। बेटी तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आई? मुझे तो हार्ट अटैक आ रहा है, भगवान तेरी लीला अपरंपार, मैं आज हो जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो, हार्ट अटैक आ रहा है? बिस्तर तो गीला किया हुआ इसने। ओह माय गॉड, इसका मतलब इनकी जान निकल गई। बड़ी गीली जान निकली इनकी। मेरे ससुर जी को मार डाला तुम लोगों ने। ओह नो, पार्टी हो गई। सक्सेसफुल? या पार्टी, चलो। इट्स अवर 13th ओल्ड मैन, वो हैव ओवरफ्लो, चलो इसको ले चलो। हाँ प्लीज प्लीज डॉक्टर संध्या, ध्यान से। मेरे ससुर जी को कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? कहीं नहीं लेके जा रहे, आई एम जस्ट सस्टेन। आइए आइए, ध्यान से। हाँ हेलो पतिदेव जी, हमारा प्लान कामयाब हुआ, दो पागलों ने मिलकर पापा जी को खत्म कर दिया। आप जल्दी से घर पहुंचिए, वकील साहब ना पापा जी की वसीयत लेकर पहुंच रहे होंगे, मैं भी पहुंचती हूँ। ठीक है बाय। पिताजी। अरे आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। क्यों नहीं जा सकते? वो पिताजी है, उनको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो जब आए जा सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं, बट तुम किससे पूछ के अंदर आए भाई? भाई ये मेरा भी घर है भाई, और अब तो पिताजी चले गए हैं, अब तो ये घर आधा आधा बांटेंगे पिताजी। अभी मेरा देखना, यहाँ पर वकील आएगा जो आधा घर मुझे देगा, आधा आपको। वसीयत पर वकील का नाम लिया, जीवन हाजिर।
मैं तुम्हारे बाप का वकील हूँ, मैं अभी तुम्हारी वसीयत पढ़ के बताने वाला हूँ। एक सेकंड भाई साहब, मैंने तो सुना था कि वकील बनने के लिए एल एल बी करनी पड़ती है, तो क्या हम लोग मिमिक्री सीख के भी वकील बन सकते हैं? बेटा ये तो टैलेंट टैलेंट ये बात है, लेकिन एक बात बताऊं, टैलेंट चाहे जितना मर्जी हो, जब घर में मुसीबत हो तो बातें करो। ओके, मैं अभी तुम्हारे बाप की वसीयत पढ़ता हूँ। देखो, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने तुम दोनों भाइयों को बिल्कुल बराबर बराबर प्रॉपर्टी दी है। मुर्गिया जो है वो तुम्हें दी है, और अंडे जो है इसे दिए हैं। अब खा तू अंडे चार दिन। मुझे सिर्फ चार अंडे दिए और मुर्गी इनको। यस, व्हाट इज दिस सिली पॉइंट? मुर्गा किसको दिया? बड़ा मुर्गा तुम्हें दिया है। मुर्गा पहले दिन बना के खा जाऊंगा, तू ले लेना अंडे। और सुनो बेटा, हाँ, टीवी का बंटवारा तुम्हारे पिताजी ने बहुत सही किया है। क्या? वो ना तुम्हें दिया है ना तुम्हें दिया है, वो श्रुति को दिया है। श्रुति को क्यों दिया है? वो क्या है कि इन लोग आप नहीं, वो चुम्मा चाटी ठीक है, लेकिन टीवी क्यों दिया उसको? वो क्या बुढ़े का लाइव देखेगी ऊपर से? और सुनो, और जो तुम्हारी लंदन वाली प्रॉपर्टी है वो उन्होंने सोहेल को दिया है। अब तो फिल्म बना दो, अब तो मेरे बाप का पैसा लगा हुआ है। लेकिन प्रॉपर्टी उन्हें क्यों दी, हमें क्यों नहीं दी? ये बात तो तुम्हारे पिताजी को सोचनी चाहिए थी जब मैं उन्हें ऐसी घटिया सलाह दे रहा था। घटिया सलाह दे रहा था, घटिया सलाह दे रहा था। ए जी बताइए, किस कैसे में क्या आया? तुम्हारे ससुर जी ने बहुत अच्छा बंटवारा किया है, आधी प्रॉपर्टी इसको दी, आधी इसको दी है। पंखे की जो पर है वो उसको दिया है, और पंखे की मोटर जो है वो इसको दिया है। तो मोटर कहाँ पे चला के पंखे की हवा लूँ मैं? क्या है ये तो किसी के काम नहीं आएगी चीजें। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे पिताजी को तुम लोगों ने धोखे संवार दिया उनकी प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए। ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा बंटवारा किया कि ना प्रॉपर्टी इसकी हुई ना इसकी हुई। इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा अपने माँ बाप से प्यार करो, उनकी प्रॉपर्टी से प्यार मत करो। लकट बंटी एट कुड़ी दा 47 रेट कुड़ी दा चक्कियां पावे कोल बुलावे।